हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का एग्जाम 26 और 27 जून को होने वाला है। और इसी एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए पिछले 6 या 7 महीनों के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी करंट अफेयर के अंदर से कुछ गोल्डन क्वेश्चंस आप सभी के लिए निकाल कर लाया हूँ। और यकीन मानना दोस्त, यदि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से कवर कर लेते हो तो आपको सारे के सारे करंट अफेयर इसी वीडियो से देखने के लिए अपने एग्जाम में मिल जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा है। आप देखोगे एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इस वीडियो के आगे बढ़ने के साथ साथ ही आपको अपने नोट्स बनाते हुए चलना है। आपको अपनी भाषा में बनाए हुए नोट्स ज्यादा जल्दी रूप से याद होंगे। वैसे मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी पीडीएफ आपको रैंकर्स जीके नामक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। फिलहाल के लिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा हुआ है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की है? तो 2023 के अंदर स्कूल चलो अभियान की शुरुआत एक बार फिर से कर दी गई है और इस अभियान की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्कूल चलो अभियान की एक टैगलाइन हुआ करती थी जिसका नाम है बेटा बेटी एक समान, शिक्षा है सबका अधिकार। तो ये टैगलाइन भी आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए हर एक चीज का ध्यान रखना है। अब एक बार ज्यादा आगे बढ़ने से पहले उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और ब्रीफ जानकारी को इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हो जाती हैं आनंदीबेन पटेल। बात करूं राजकीय पशु की तो राजकीय पशु है बारासिंगा। राजकीय पक्षी हो जाता है सारस, जिसे आप क्रोंच के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद राजकीय पुष्प हो जाता है पलास, जिसे आप टेसु के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष हो जाता है अशोक। इसी के साथ बात करूं उत्तर प्रदेश ने ही रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का भी फैसला किया है। और 2023 के अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी भी उत्तर प्रदेश के द्वारा ही की गई है। बात करूं उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर किस जगह पर स्थापित किया गया, तो उत्तर प्रदेश का जो पहला डेटा सेंटर है वह ग्रेटर नोएडा के अंदर स्थापित कर दिया गया है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो एक टाइगर रिजर्व था जिसका नाम था रानीपुर टाइगर रिजर्व, यह देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा भी की है। तो ये मोटा मोटा फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश से ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन तो आपको इन्हीं में से देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी बने हैं उनका नाम है विजय कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का एचएमआई ग्रुप उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से। हाल ही में जापान का जो एचएमआई ग्रुप है इसने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 के अंदर G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वो जापान ही करने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं G7 शिखर सम्मेलन 2023 में जो हुआ है यह 2023 में कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 2023 में इसका 49वां संस्करण आयोजित किया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद G7 से आपका मतलब हो जाता है ग्रुप ऑफ 7, अर्थात 7 देशों का समूह। G7 की अगर बात करूं तो इसका गठन हुआ था 1975 में और इसके जो 7 सदस्य देश हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहले नंबर पर है ब्रिटेन, दूसरा है कनाडा, तीसरा है फ्रांस, चौथा है जर्मनी, पांचवा है इटली, छठा है जापान और 7वां हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए। इसके बाद G7 शिखर सम्मेलन जो 2022 के अंदर हुआ था वो भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2022 में इसका आयोजन जर्मनी के अंदर किया गया था। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनाई गई हैं लक्ष्मी सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेप्सी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ब्रांड एम्बेसडर से लेकर भी मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस आपके सामने लिख दिए हैं। एक क्वेश्चन के साथ ही आपको सभी मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर भी याद हो जाएंगे। तो पेप्सी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है रणवीर सिंह जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर अगर बात करूं रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम हो जाता है कुलदीप यादव। इसके बाद स्केचर्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो इनका नाम हो जाता है एमएस धोनी, अर्थात महेंद्र सिंह धोनी। इसके बाद फीफा 2022 में भारत का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये भी रणवीर सिंह ही हो जाते हैं। और इसके बाद है बोरो प्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो इनका नाम है अक्षय कुमार। पिंटोला का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है, सूर्य कुमार यादव जी को। और प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो इनका नाम हो जाता है हरमनप्रीत कौर।
इतने क्वेश्चंस आपको ब्रांड एम्बेसडर से ध्यान रखकर चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोला टिनबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो बोला टिनबू हाल ही में नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में बदले गए कुछ देशों के राष्ट्रपति भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इनका नाम है पेटर पावेल। आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? इनका नाम हो जाता है लियो वराडकर। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इनका नाम है दीना बोलुआर्टे। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? ये हो जाते हैं कासिम जोमार टोकायव। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इनका नाम है नताशा पर्क मुसार। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? इनका नाम हो जाता है बेंजामिन नेतन्याहू। और इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इनका नाम है मैनुएला रोका बोटे। तो इतने क्वेश्चंस आपको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 के अंदर जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है उसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको ध्यान रखना है 2023 में ब्रिक्स का 15वां संस्करण आयोजित किया गया है। इससे पहले 2022 के अंदर ब्रिक्स का 14वां संस्करण जो है वो चीन के अंदर आयोजित किया गया था। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। बात करूं ब्रिक्स के कितने सदस्य देश हैं, तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, BRICS, अर्थात बी से हो गया ब्राजील, आर से हो गया रूस, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना और एस से हो गया आपका दक्षिण अफ्रीका। अर्थात 5 सदस्य देश हो जाते हैं ब्रिक्स के, जो कि इसके नाम के आधार पर ही तय किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बन चुका है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत का जो पहला संविधान साक्षर जिला बना है वह है केरल का कोल्लम जिला। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 की यहां पर बात कर रहा है। इसके अंदर शीर्ष पर रहने वाला देश है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिनलैंड के बारे में आप जानते होंगे, फिनलैंड लगातार 5वीं बार इस वर्ष भी शीर्ष पर रहा है और इसी के साथ भारत की रैंक रही है 136वीं। बात करूं फिनलैंड की, तो फिनलैंड की राजधानी हो जाती है हेलसिंकी, मुद्रा हो जाती है यूरो और फिनलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं सना मारिन। तो इतना फैक्ट आपको वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 से ध्यान रखकर चलना है। ये इंडेक्स अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इन पर आपको विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा भी आपके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कर दी है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश से बनने वाले दो फैक्ट आपको यहां पर ध्यान रखने हैं, जैसे फैमिली आईडी पोर्टल को किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भी यूपी सरकार के द्वारा ही लॉन्च की गई है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है? तो 2023 का जो प्रिजकर अवार्ड है यह सर डेविड चिपरफील्ड को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवार्ड्स को भी क्लियर करके चलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पहला अवार्ड आपके सामने लिखा हुआ है, मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इससे हाल ही में हरि बालकृष्णन जी को सम्मानित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 कौन चुने गए हैं? तो इनका नाम हो जाता है सज्जन जिंदल। नेक्स्ट है, यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार हाल ही में एंजेला मर्केल जी को दिया जा चुका है, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर भी रह चुकी है। इसके बाद आ जाता है, गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इससे हाल ही में राखी कपूर जी को सम्मानित किया गया है। तो इन सभी अवार्ड के साथ साथ आपको ये सभी क्वेश्चन ध्यान रख के चलने हैं। एक एक क्वेश्चन को नोट करके चलना, वरना आप सभी लोग इन क्वेश्चन को भूल जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी विभागों में 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो ऐसा करने वाला भी भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही बनने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में घोषणा की है कि 2030 तक अपने राज्य के सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को तैनात कर देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल इसी के साथ करेक्ट आंसर हो जाता है। और फ्रेंड्स, आप में से इस वीडियो को वे लोग भी ले सकते हैं जो पिछले 6 या 7 महीने के करंट अफेयर को एक साथ कवर करना चाहते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज आपके लिए एक मैराथन क्लास होने वाली है, जिसकी PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैकिंग करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये क्वेश्चन काफी चर्चा में रहा था। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग करने हेतु ऑपरेशन अमानत को भारतीय रेलवे के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट में नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई है? तो नई खेल नीति अर्थात न्यू स्पोर्ट पॉलिसी 2030 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा ही मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में लॉन्च किया गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभंकर जीतू किस पशु का प्रतिनिधित्व करता है? तो जीतू जो है यह बारहसिंगा नामक पशु का एक प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की, तो इसका आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के इन चार शहरों में किया गया, जिसका नाम है वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा और लखनऊ। आपको ये चारों शहरों के नाम ध्यान रखने हैं क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करूं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2023 के अंदर कौन सा संस्करण खेला गया, तो तीसरा संस्करण इस बार खेला गया था और इसी गेम्स के अंदर इसका शुभंकर रखा गया जीतू, जो कि उत्तर प्रदेश का एक राजकीय पशु भी हो जाता है जिसका नाम है बारहसिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो इनका नाम हो जाता है डिंग लिरेन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान के निवासियों को निजी प्रतिष्ठानों सहित अस्पतालों, क्लिनिकों और प्रयोगशालाओं में मुफ्त इलाज का अधिकार प्रदान करता है। इसीलिए ही राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक को लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 को जीत लिया है? तो इस पुरस्कार को हाल ही में मारिया स्टेपानोवा ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इन्हें यह पुरस्कार इनके कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स के लिए दिया गया है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आप मार्क करके चलना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 की अगर बात करूं, इसके अंदर भारत की रैंक 161वें नंबर पर दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस सूचकांक में 2023 के अंदर भारत 180 देशों में से 161वें स्थान पर रहा है। जबकि अगर बात करूं इस सूचकांक को जारी कौन करता है, तो जारी करने वाली संस्था हो जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। 2022 की अगर बात करूं, 2022 में भारत की रैंक क्या थी, तो 2022 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक थी 150। इसके बाद 2023 में टॉप थ्री कंट्रीज आपको बता देता हूं। पहले नंबर पर इस सूचकांक में रहा नॉर्वे, दूसरे पर रहा आयरलैंड और तीसरे नंबर पर रहा डेनमार्क। इसी के साथ अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया को रखा गया है। उत्तर कोरिया को इसमें 180वें स्थान पर जगह दी गई है। तो इतना फैक्ट आपको विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 से ध्यान रखकर चलना है। ये चीज आपके एग्जाम में पहले भी कई बार पूछी जा चुकी है और इस बार भी 100% पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हाल ही में केरल जल बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेड्रिड ओपन 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मेड्रिड ओपन 2023 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के अंदर अगर महिला एकल की बात करूं, तो महिला एकल का खिताब मिला है ए सेबलेंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो स्वरोजगार योजना को शुरू करने की घोषणा उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उत्तराखंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश का एक खास पड़ोसी राज्य हो जाता है। तो उत्तराखंड के बारे में भी काफी फैक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक बार देख लेते हैं। जैसे नकल विरोधी कानून को पारित किसने किया है, तो नकल विरोधी कानून को भी उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ही पारित किया गया है। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह भी उत्तराखंड के अंदर ही स्थापित कर दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि लक्ष्य भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2025 तक। नेक्स्ट है, ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री उत्तराखंड में ही बनाई जाएगी। और भारत और उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास, जिसका नाम है डस्ट लिंक, यह भी उत्तराखंड में ही शुरू हुआ है। तो इतना फैक्ट आपको उत्तराखंड से भी ध्यान रखना है। इनके अलावा यदि उत्तराखंड से कोई भी क्वेश्चन बचता है, तो वो आगे इसी वीडियो में कवर कर दिया गया है। और यहां पर मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये वीडियो अपने आप में एक पूरा सॉलिड रामबाण है वीडियो के एग्जाम को कवर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर 42वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 के अंदर इंडोनेशिया के अंदर आयोजित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इस बार इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो थीम थी आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। बात करूं आसियान की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है, जिसकी स्थापना 1967 के अंदर की गई थी। मुख्यालय इसका इंडोनेशिया के जकार्ता में हो जाता है। बात करूं सदस्य देशों की, तो 10 देश इसके सदस्य देश हो जाते हैं। कौन कौन से हैं? ब्रुनेई, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, फिलीपींस, वियतनाम और सिंगापुर।
तो ये 10 देश इसके सदस्य देश हो जाते हैं। इतना फैक्ट आपको आसियान के बारे में पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जिनका नाम है अजय बंगा जी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना 1944 के अंदर की गई थी। मुख्यालय इसका भी वॉशिंगटन डीसी के अंदर ही स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 2023 के अंदर भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 15वां हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीत लिया है? तो 2023 के अंदर होने वाला 15वां हॉकी विश्व कप जो है वो जर्मनी के द्वारा जीत लिया गया है और इसमें बेल्जियम को हराया गया है। तो उपविजेता हो जाती है बेल्जियम और विजेता हो जाती है जर्मनी। बात करूं भारत की, तो भारत ने अभी तक केवल एक ही बार 1975 में हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है, जबकि आपको जानकर हैरानी होगी हॉकी विश्व कप का खिताब अभी तक सर्वाधिक बार जीतने वाला देश हो जाता है पाकिस्तान, जिसने कुल मिलाकर 5 बार हॉकी विश्व कप को जीत रखा है, जबकि भारत ने केवल एक ही बार अर्थात 1975 में ही हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 2023 के अंदर G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के द्वारा ही की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं 2023 के अंदर G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो ये था आपका 18वां संस्करण। इसी के अंदर इसका लोगो रखा गया खिलता हुआ कमल और थीम रखी गई वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसी के साथ 2022 के अंदर जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। 2022 के अंदर हुए G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2023 में इसकी थीम रही है इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, और इसको आप यहां से करेक्ट कर लेना, 24 अप्रैल इसका करेक्ट आंसर है, ना कि 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनको इस सूची में पहले स्थान पर रखा गया है, जबकि दूसरे स्थान पर रहे हैं लियोनस मेसी और तीसरे स्थान पर रहे हैं किलियन एम्बापे। फोर्ब्स ने दुनिया के 10 सबसे ज्यादा कमाने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की है, जिनमें से टॉप 3 खिलाड़ी आपके सामने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? तो हाल ही में ट्विटर की नई सीईओ बन चुकी हैं लिंडा याकरीनो। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं ट्विटर की स्थापना की, तो ट्विटर की स्थापना की गई थी 2006 में। मुख्यालय हो जाता है कैलिफोर्निया के अंदर और संस्थापक हैं जैक डोर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किसने जीत लिया है? तो 2023 के अंदर टाटा आईपीएल का जो खिताब है वह चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत लिया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करूं आईपीएल 2023 के क्या क्या की पॉइंट्स रहे हैं, तो एक नजर में इनको भी देखकर चलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर यह रिकॉर्ड 5वीं बार अपने नाम कर लिया है, तो गुजरात टाइटंस इसमें उपविजेता हो जाती है और विजेता हो जाती है चेन्नई सुपर किंग। बात करूं आयोजन कहां पर हुआ, तो 2023 के अंदर आईपीएल का आयोजन भारत के गुजरात राज्य में किया गया था। इसी के साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 2023 में जो आईपीएल खेला गया है वह 16वां संस्करण खेला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनल मैच कहां पर खेला गया, तो आईपीएल 2023 का फाइनल मैच जो है वो अहमदाबाद के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। बात करूं चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा जीते गए अभी तक कितने आईपीएल हैं, तो आप देख सकते हैं 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023, कुल मिलाकर 5 बार अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल का खिताब अपने नाम किया हुआ है। इसी के साथ बात करूं 2023 में जो आईपीएल हुआ है उसमें चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कौन रहे थे, तो कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। गुजरात टाइटंस जो कि उपविजेता टीम है इसके कप्तान कौन रहे थे, इसके कप्तान थे हार्दिक पांड्या। और एक पॉइंट आपको आईपीएल 2022 के बारे में भी पता होना चाहिए, आईपीएल 2022 के अंदर विजेता टीम कौन सी थी, तो आईपीएल 2022 का जो खिताब था वह गुजरात टाइटंस ने जीत लिया था, जो कि इस बार की उप विजेता टीम है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने पर्पल कैप को जीता है? तो पर्पल कैप उस खिलाड़ी को दी जाती है जो सर्वाधिक विकेट लेता है। तो आईपीएल 2023 के अंदर पर्पल कैप से मोहम्मद शमी जी को सम्मानित किया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप को जीता है? तो ऑरेंज कैप से भी आप जानते होंगे, ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को दी जाती है जो कि सर्वाधिक रन बनाता है। आईपीएल 2023 के अंदर ऑरेंज कैप शुभनम गिल जी को दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं शुभनम गिल, इन्होंने टाटा आईपीएल 2023 में सर्वाधिक रन बनाए हैं, कुल मिलाकर 890 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहां पर खुलेगा?
तो जो भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर है यह केरल के अंदर खुलने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2023 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम रही है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जिसे आप जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं इसने भारत में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज कहां पर की है? तो आप सभी जानते होंगे हाल ही में लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी नामक स्थान पर खोजा गया है जिसकी क्षमता 59 लाख टन तय की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य हिमाचल प्रदेश के द्वारा रखा गया है। हिमाचल प्रदेश ने घोषणा की है कि वह 2025 तक खुद को भारत का पहला हरित राज्य बना देगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत में वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखोई लड़ाकू विमान 30 MKI को उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला पायलट बन चुकी हैं अवनी चतुर्वेदी जिन्होंने सुखोई लड़ाकू विमान 30 MKI को उड़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है? तो 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला हाल ही में न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ या DY चंद्रचूड़ के नाम से भी आप लोग इन्हें जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में खोला है? तो एप्पल का जो पहला स्टोर भारत के अंदर खोला गया है वह मुंबई शहर के अंदर खोल दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे आप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं एस सोमनाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इसरो की तो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। संस्थापक हो जाते हैं विक्रम साराभाई और मुख्यालय है कर्नाटक के बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिन्हें आप CDS के नाम से भी जानते हैं के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के जो दूसरे CDS हैं उनका नाम हो जाता है अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ बात करूं भारत के पहले CDS कौन बने थे? तो भारत के पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत जिनकी तमिलनाडु के अंदर एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता जो है वो भारत के द्वारा ही की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2023 के अंदर G20 शिखर सम्मेलन का 18वां संस्करण आयोजित हुआ है। लोगो इस बार रखा गया है खिलता हुआ कमल और थीम इस बार रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को छोड़ा है? तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं हाल ही में नामीबिया के साथ चीतों को लेकर एक समझौता हुआ था जिस समझौते के तहत भारत में 8 चीतों को लाया गया था और इन 8 के 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इन 8 चीतों की तो इन 8 चीतों के अंदर 5 मादा चीता व 3 नर चीता है। भारत के अंदर इन्हें अफ्रीका के नामीबिया देश से लाया गया है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे आप सेबी के नाम से भी जानते हैं इसकी नई अध्यक्ष कौन बनाएगी? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है और इसकी वर्तमान में नई अध्यक्ष बनी है माधवी पुरीकुछ। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेबी की अगर बात करूँ 12 अप्रैल 1992 को स्थापना की गई और मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 2023 के अंदर संतोष ट्रॉफी का खिताब जो है वो कर्नाटक की टीम ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब एक बार संतोष ट्रॉफी के बारे में कुछ पॉइंट्स को देखकर चलेंगे और इसी के साथ आपको बता दूं कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी का खिताब 54 वर्षों बाद जीता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। संतोष ट्रॉफी के अंदर कर्नाटक ने इस बार मेघालय को हराकर यह खिताब जीता है। मेघालय की टीम पहली बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची थी, इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो इस पुरस्कार को मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से हरि बालकृष्णन जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 2023 के अंदर कुल मिलाकर 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, पद्म पुरस्कार के अंदर तीन पुरस्कार आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो सबसे पहले पद्म विभूषण से 6 लोगों को सम्मानित किया गया, उसके बाद पद्म भूषण से 9 लोगों को सम्मानित किया गया, उसके बाद पद्मश्री से 91 लोगों को सम्मानित कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब पद्म पुरस्कार से बनने वाले कुछ स्टैटिक फैक्ट भी हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। जैसे 1954 से भारत रत्न की शुरुआत की गई थी और इसी को ही देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी कहा जाता है। इसके साथ बात करूं भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने थे, तो भारत रत्न को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें 1954 में भारत रत्न दिया गया था। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है भारत रत्न को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी, तो पहली भारतीय महिला थी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्हें 1971 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि 1954 में जो भारत रत्न दिया गया वो कुल मिलाकर 3 लोगों को दिया गया था। पहले हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे हैं सीवी रमन और तीसरे हो जाते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसी के साथ अगर भारत रत्न से संबंधित कुछ अंतर्राष्ट्रीय फैक्ट के ऊपर बात करूं, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे, तो पहले विदेशी व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान से संबंध रखते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी व्यक्ति कौन थे, तो इनका नाम है नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। तो इतना फैक्ट आपको भारत रत्न या पद्म पुरस्कार से पता होना ही चाहिए। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ताड़ के पत्तों का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहां पर शुरू किया गया है? तो विश्व का जो पहला पांडुलिपि संग्रहालय है वह केरल के अंदर शुरू कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में स्थित राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आप सभी जानते होंगे नई दिल्ली के अंदर जो स्थित राजपथ था उसका नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2026 के अंदर पुरुष फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी जो है वो कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका, इन तीनों देशों के द्वारा की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर वर्तमान में भगत सिंह के नाम पर रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो वर्तमान में नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अब नीति आयोग के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे नीति आयोग की फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, मुख्यालय हो जाता है नई दिल्ली के अंदर। बात करूं अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नातू नातू गीत किस फिल्म का है? तो नातू नातू जो गीत है ये काफी फेमस गीत है और आप सभी को पता होगा यह फिल्म RRR का एक गीत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो ऐसी भाषा हो जाती है पंजाबी, जिसे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अपने पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया है? तो मिथिला मखाना, जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार का मिथिला मखाना काफी प्रसिद्ध है, तो इसे ही GI टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से पिनाका रॉकेट को खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन चुका है? तो भारत से पिनाका रॉकेट को खरीदने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है आर्मेनिया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क है वह हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के जो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं उनका नाम हो जाता है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो भारतीय सेना के अंदर पहली महिला स्काई ड्राइवर बन चुकी हैं लांस नायक मंजू। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय है वह गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है। जबकि आपको ध्यान रखना है कि ताड़ के पत्तों का विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ बन रहा है, वह केरल के अंदर बन रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2023 को किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार 26 जनवरी 2023 को जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसके अंदर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करूं मिस्र की, तो मिस्र की राजधानी हो जाती है काहिरा और मुद्रा हो जाती है पौंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 के अंदर की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर स्थित हो जाता है। सचिव हो जाते हैं जय शाह, इसी के साथ उपाध्यक्ष हो जाते हैं राजीव शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो स्वच्छ भारत अभियान का वर्तमान में नाम बदलकर सुंदर भारत अभियान कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी और वर्तमान में इसका नाम बदलकर अब सुंदर भारत अभियान कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? तो पंख अभियान की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मध्य प्रदेश भी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा पड़ोसी राज्य है जिसके साथ उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा लगती है, तो इसलिए मध्य प्रदेश से बनने वाला प्रत्येक प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की थी? तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो चुका है। इसका इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के तहत ही यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों तथा बच्चों को वापस लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो नाटो का जो शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन मैड्रिड के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं नाटो का मुख्यालय कहां हो जाता है, तो मुख्यालय है ब्रुसेल्स के अंदर। संस्करण हुआ था 32वां। अध्यक्ष हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और नाटो शिखर सम्मेलन 2023 की अगर बात करूं, तो 2023 में इसका शिखर सम्मेलन जो है वो विल्नियस लिथुआनिया में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, जिसे आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग जिसे आप यूपीएससी के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूपीएससी की स्थापना 1926 के अंदर की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो 67वें जो फिल्म फेयर अवार्ड हुए हैं उनके अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है वो शेरशाह नामक फिल्म को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इन्हीं फिल्म फेयर अवार्ड के तहत कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड बनते हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला रणवीर सिंह को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला कीर्ति सेनन को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला विष्णुवर्धन जी को और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर या बेस्ट सहायक अभिनेता का अवार्ड मिला है पंकज त्रिपाठी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बना है? तो देश का जो पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य है उसका नाम है गोवा। इसी के साथ बात करूं देश का पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना, तो उसका नाम हो जाता है दादरा एवं नागर हवेली एवं दमन व दीव। इसी के साथ देश का हर घर जल प्रमाणित पहला जिला कौन सा बना, तो पहला जिला बना है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला, जिसे देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है। तो ये तीनों ही फैक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राष्ट्रपति भवन के अंदर स्थित जो मुगल गार्डन है इसका नाम बदलकर अमृत गार्डन या अमृत उद्यान कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में स्थित 40 मंजिला ट्विन टावर को निर्माण मानदंडों के उल्लंघन के लिए 28 अगस्त को ध्वस्त कर दिया गया है? तो 40 मंजिला जो ट्विन टावर थे उन्हें हाल ही में ध्वस्त किया गया था और वे दोनों टावर नोएडा के अंदर स्थित थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेहरा एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो तेहरा एक्सप्रेसवे को चलाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो कुछ फैक्ट और उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस करके चलेंगे। उत्तर प्रदेश ने ही पहली बार महिला पीएससी बटालियन के गठन की भी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश ने ही सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का भी निर्णय लिया है। आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से भी उत्तर प्रदेश को ही सम्मानित किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने ही मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च किया है।
रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व था, उसे हाल ही में देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो इतना फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश से ध्यान रखना है, क्योंकि आपका यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का एग्जाम है, तो उत्तर प्रदेश से आने वाला एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बरेली एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो बरेली एयरपोर्ट का नाम बदलकर नाथ नगरी एयरपोर्ट कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जिसे आप एनसीआरबी के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में सबसे ऊपर रहने वाला शहर हो जाता है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को हाल ही में किरण बेदी जी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड किस नेता को प्रदान किया गया है? तो इस अवार्ड से हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति क्लोदोमीर जेलेंस्की को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं एलोन मस्क। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बनाए गए हैं? तो भारत के जो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनका नाम हो जाता है पंकज कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में बन चुके हैं अनिल कुमार लाहोटी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय रेलवे की अगर बात करूं तो स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को और मुख्यालय हो जाता है नई दिल्ली के अंदर स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है? तो हाल ही में हुई ग्रैंड प्रिक्स से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो 2023 के अंदर जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुई है उसके विजेता हो जाते हैं मैक्स वेरस्टैपन। इसी के साथ कुछ अन्य ग्रैंड प्रिक्स भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन हो जाते हैं? तो इनका नाम है मैक्स वेरस्टैपन। ब्राजीलियाई फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता? इनका नाम हो जाता है जॉर्ज रसेल। 2022 मेक्सिकन फॉर्मूला वन चैंपियनशिप के विजेता कौन हो जाते हैं? ये भी मैक्स वेरस्टैपन ही हैं। और 2022 फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन है? इनका नाम भी मैक्स वेरस्टैपन ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शेख मोहम्मद को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो शेख मोहम्मद, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन्हें कतर के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कतर की अगर बात करूं तो राजधानी हो जाती है दोहा और मुद्रा है कतरी रियाल। इसी के साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी एक साथ देखकर चलेंगे, जैसे शेख अहमद नवाफ अल सबा कुवैत के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, बान थुआंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं और नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं बोला टिनबू। साइप्रस के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं निकोस क्रिस्टोडोलाइडस और मालडोवा के नए राष्ट्रपति बने हैं डोरिन रिसियन। इसी के साथ इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं मैनुएला रोकाबोटी। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के साथ साथ आपकी सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को भी साथ के साथ कवर कराता जा रहा हूं, तो ये वीडियो आपके लिए एक मास्टर वीडियो साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है? तो सेमीकंडक्टर पर समझौता हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो पागलखाना जो उपन्यास है यह डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है और इन्हें ही हाल ही में व्यास सम्मान 2022 के लिए चुन लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है जो अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करती है? तो इनका नाम है सुरेखा यादव। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो फैजाबाद का नया नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बना है? तो 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर बन चुका है भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो 2022 के अंदर जो सरस्वती सम्मान दिया गया था वो दिया गया था शिवशंकरी जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह वारंट रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ रूस व यूक्रेन युद्ध को लेकर जारी हुआ है। वित्त वर्ष 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक भी बना है। इसी के साथ रूस के बारे में अगर एक फैक्ट और बताऊं, उसका सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी रूस ही बन चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसे ही गणित के नोबल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है और एबेल पुरस्कार 2023 के अंदर लुइस कैफरेली जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर ने अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध पेरिस देश के द्वारा लगाया गया है। पेरिस ने हाल ही में अपनी सड़कों पर ई स्कूटर को चलाने पर रोक लगा दी है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? तो लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश का काफी फेमस आम है, जिसे हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली इंट्रोनेजल कोविड 19 वैक्सीन का नाम क्या रखा गया था? तो भारत की जो पहली इंट्रोनेजल कोविड 19 वैक्सीन है, इसका नाम रखा गया था इनकोवैक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना है? तो इसका सही आंसर हो जाता है महाराजगंज। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जो है वो नंदिनी गुप्ता जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो मलेशिया ओपन 2023 के अंदर पुरुष एकल का खिताब जीत चुके हैं विक्टर एक्सेलसन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई थी? तो ऑपरेशन कावेरी जो है वो सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं अर्जुन वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही आंसर हो जाता है अमेरिका। अमेरिका ही वह देश है जिसके राष्ट्रपति ने हाल ही में समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर भी किए हैं और अमेरिका में ही महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की कंपनी एल्स्टोम 100 वंदे भारत ट्रेन को बनाएगी? तो एल्स्टोम नामक कंपनी जो है ये एक फ्रांस की कंपनी है जिसे वंदे भारत ट्रेन को बनाने का ठेका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात का समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने नेपाल के साथ बिजली निर्यात का एक समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने रतन टाटा जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने रतन टाटा जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो 2023 के अंदर गोल्डन ग्लोब अवार्ड का आयोजन जो है वो अमेरिका के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीत चुके हैं ऑस्टिन बटलर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इन्हें यह पुरस्कार एल्विस नामक फिल्म के लिए दिया गया है। इसी के साथ बात करूं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कैट ब्लेंचेट को दिया जा चुका है और इन्हें यह पुरस्कार टार नामक फिल्म के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बुजुर्ग किसानों तक आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को किस वर्ष शुरू किया था? तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत जो है वो 12 सितंबर 2019 को की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान करने के लिए मिशन इंद्रधनुष योजना को कब शुरू किया गया था? तो इंद्रधनुष योजना से तो आप भलीभांति रूप से परिचित होंगे। इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस योजना के तहत कुल मिलाकर 7 रोगों के लिए 7 टीके लगाए जाते हैं। इन टीकों के नाम यहाँ पर क्रमवाइज लिखे गए हैं। अब आपको मिशन इंद्रधनुष के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पता होनी भी चाहिए। जैसे मिशन इंद्रधनुष एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है जो कम टीकाकरण कवरेज वाले 201 जिलों में शुरू किया था। इस टीकाकरण में 7 रोगों के लिए 7 टीके लगाए जाते हैं, जिनमें से पहला है तपेदिक, दूसरा है पोलियोमाइलाइटिस, तीसरा है हेपेटाइटिस बी, चौथा है डिप्थीरिया, पांचवा है पर्टुसिस, छठा है टिटनेस और सातवा है खसरा। इसी के साथ मिशन इंद्रधनुष 2.0 की शुरुआत भी 2019 में हो चुकी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किस फिल्म को दिया गया है?
बात करूं 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 की, इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है वो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस नामक मूवी को दिया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस फिल्म के निर्देशक हो जाते हैं डेनियल क्वान और डेनियल शेनेट। इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2023 के अंदर 11 नॉमिनेशन मिले थे, जिनमें से 7 में इसने अपनी जीत दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर बात करूं तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो ब्रेंडन फ्रेजर को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इन्हें यह पुरस्कार द व्हेल नामक फिल्म के लिए दिया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है मिशेल योह को और इन्हें यह पुरस्कार एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस नामक मूवी के लिए दिया गया है और इसी फिल्म को इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीत चुके हैं नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं और उपविजेता हो जाते हैं स्टेफानोस सिटसिपास जो कि ग्रीस के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के अंदर महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अभी मैंने आपको पुरुष एकल का खिताब बताया, इसके बाद जो महिला एकल का खिताब है वो एरिना सेबलेंका ने जीत लिया है और इन्होंने यह खिताब एलिना रायबाकिना को हराकर जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम्स खेलने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम्स खेलने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बन चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में उत्तर प्रदेश के किस शहर में संग्रहालय बनाया जाएगा? तो चंद्रशेखर आजाद जी की स्मृति में उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर में एक संग्रहालय बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो 2022 में प्रकाशित हुई रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर है वह है नई दिल्ली, इसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाता है फरीदाबाद और तीसरे नंबर पर आ जाता है गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अंदर जापान का पासपोर्ट शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के पासपोर्ट को सेकंड स्थान दिया गया है और जर्मनी और स्पेन का पासपोर्ट थर्ड स्थान पर रखा गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आप यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए पिछले 6 से 7 महीने का सभी करंट अफेयर एकदम डिटेल वाइज कवर कर चुके हो और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको अपने एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर देखने के लिए मिलेंगे। और जिसने भी इस पूरी मैराथन क्लास के नोट्स बनाए हैं उनको इस मैराथन से जरूर 100% फायदा होने वाला है। तो यहाँ से मैं आपको एक गोल्डन सजेशन दूंगा कि जब तक आप एग्जाम देने जाओ इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार रट के फेंक देना, तभी जाकर आपके माइंड में एक एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप आने वाले क्वेश्चन को भी गलत नहीं कर पाओगे। तो अब चलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और कमेंट करके ये भी बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।